हेलो फ्रेंड्स, मैं यूट्यूब चैनल हर्ष्विता सिंह पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, एक बार फिर मैं आपके लिए फिजिकल एजुकेशन का वीडियो लेकर आ गई हूँ। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हमारे आज की वीडियो का टॉपिक है शारीरिक शिक्षा से संबंधित 20 प्रश्नोत्तरी। तो इस टॉपिक को हमने पिछले वीडियो में भी कवर किया था, तो उसी टॉपिक को मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं कि इस वीडियो में है क्या। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 21 है, रिले दौड़ में जो धावक दौड़ समाप्त करता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, रिले दौड़ में जो धावक दौड़ समाप्त करता है, ध्यान रखिएगा, समाप्त करता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका आंसर है लीडिंग मैन। ठीक है, रिले दौड़ में जो धावक दौड़ समाप्त करता है उसे लीडिंग मैन कहते हैं। देखिए, जो आपके चार खिलाड़ी होते हैं रिले दौड़ में जो दौड़ को समाप्त करते हैं, तो फर्स्ट को आप जो खिलाड़ी होता है उसको एंकर कहते हैं और लास्ट को लीडिंग मैन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी जिसने ओलंपिक में भाग लिया। ठीक है, पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी जिसने ओलंपिक में भाग लिया। तो इसका आंसर है मैरी लीला रो। ठीक है, पहली भारतीय महिला खिलाड़ी थी मैरी लीला रो, जिसने ओलंपिक में भाग लिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। योजना का पहला चरण क्या है। योजना का पहला चरण क्या है। तो इसका आंसर है लक्ष्य का निर्धारण। ठीक है, योजना का पहला चरण है लक्ष्य का निर्धारण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। जीन पियाजे किस देश के निवासी थे। जीन पियाजे किस देश के निवासी थे। तो इसका आंसर है स्विट्जरलैंड। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। किसी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में खिताब जीतने वाली भारत की पहली महिला बैडमिंटन खिलाड़ी अपर्णा पोपट ने कौन सा खिताब जीता था। तो इसका आंसर है आपका फ्रेंच ओपन बैडमिंटन। ठीक है, किसी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में खिताब जीतने वाली भारत की पहली महिला बैडमिंटन खिलाड़ी अपर्णा पोपट ने फ्रेंच ओपन बैडमिंटन में जीता था। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। बैडमिंटन के प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन है। बैडमिंटन के प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन है। तो इसका आंसर है नंदू नाटेकर। नंदू नाटेकर ने बैडमिंटन में प्रथम अर्जुन पुरस्कार पाया था। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। बनाना केक किस खेल से संबंधित है। बनाना केक किस खेल से संबंधित है। तो इसका आंसर है फुटबॉल। बनाना केक फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। कौन से पुरस्कार को क्रिकेट का ऑस्कर कहते हैं। कौन से पुरस्कार को क्रिकेट का ऑस्कर कहते हैं। तो इसका आंसर है आपका आईसीसी पुरस्कार। ठीक है, आईसीसी पुरस्कार को क्रिकेट का ऑस्कर कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। वित्त समिति की भूमिका क्या होती है। वित्त समिति की भूमिका क्या होती है। तो इसका आंसर है आपका प्रतिस्पर्धा, यानी कि इवेंट के लिए बजट बनाना। प्रतिस्पर्धा के लिए बजट बनाना आपका वित्त समिति की भूमिका होती है, उनका कार्य होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। खो खो खेल में जो खिलाड़ी वर्ग यानी कि स्क्वायर में बैठता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, खो खो खिलाड़ी यानी खो खो खेल में जो खिलाड़ी वर्ग में बैठा होता है यानी कि स्क्वायर में बैठा होता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका आंसर है चेजर। ठीक है, ये जो आपका हमारा खो खो का एरिया होता है, ठीक है, तो यहाँ पे बैठने वाले खिलाड़ी को पूछ रहा है कि क्या कहते हैं, तो उसको चेजर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। स्नूकर में रेड बॉल की संख्या कितनी होती है। स्नूकर में रेड बॉल की संख्या कितनी होती है। तो इसका आंसर है आपका 15। स्नूकर में रेड बॉल की संख्या 15 होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। भारतीय हॉकी टीम ने सर्वप्रथम कब कोई अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला। भारतीय हॉकी टीम ने सर्वप्रथम कब कोई अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला। तो इसका आंसर है न्यूजीलैंड दौरा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। मनोविज्ञान के जनक कौन है। मनोविज्ञान के जनक कौन है। तो इसका आंसर है विलियम जेम्स। मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप अभी तक मेरा वीडियो देख रहे हो, यानी कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लग रहा है, आप अभी तक देख रहे हो, तो वीडियो को लाइक भी कर दो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपको फिजिकल एजुकेशन के वीडियो पे टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। क्रिकेट की अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है। क्रिकेट की अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है। इसका आंसर है आपका आईसीसी। क्रिकेट की अंतर्राष्ट्रीय संस्था आईसीसी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। विटामिन बी की खोज किसने की। विटामिन बी की खोज किसने की। इसका आंसर है मैकुलन ने। विटामिन बी की खोज मैकुलन ने की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। पेन होल्डर ग्रिप का उपयोग किस खेल में होता है। पेन होल्डर ग्रिप का उपयोग किस खेल में होता है। तो इसका आंसर है टेबल टेनिस में। पेन होल्डर ग्रिप का उपयोग टेनिस टेबल में होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी कौन है। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली
पहली महिला खिलाड़ी कौन है? तो इसका आंसर है कर्णम मलेश्वरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। शॉर्ट कॉर्नर ट्राई ब्रेकर पेनाल्टी स्ट्रोक शब्द किस खेल से संबंधित है? शॉर्ट कॉर्नर ट्राई ब्रेकर पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर है आपका हॉकी से। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। प्रयोगात्मक विधि का प्रथम सोपान क्या है? प्रयोगात्मक विधि का प्रथम सोपान क्या है? तो इसका आंसर है आपका समस्या। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता जरूर है एग्जाम में आपके, तो प्रयोगात्मक विधि का प्रथम सोपान आपका समस्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। होपमैन कप का संबंध किस खेल से है? होपमैन कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर है लॉन टेनिस। होपमैन खेल का कप का संबंध आपका लॉन टेनिस है। तो ये रहा हमारा आज का 20 क्वेश्चन और हमने 40 क्वेश्चन को कवर कर लिया है इसके थ्रू, आपका जो संभावित 20 क्वेश्चन है तो उसके अंतर्गत हम लोग ने 40 क्वेश्चन को कवर कर लिया है। तो फ्रेंड्स हमारा आज का प्रश्न है, आईसीसी की प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन था? आईसीसी का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन था? इसका आंसर अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ओके फ्रेंड, हमारे पिछले वीडियो का उत्तर है, हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन पूछा था माइक्रोचक्र की अवधि क्या होती है, माइक्रोचक्र की अवधि क्या होती है? तो इसका आंसर है आपका 7 से 10 दिन। माइक्रोचक्र की अवधि आपकी 7 से 10 दिन होती है, कहीं कहीं आपको 5 से 10 दिन भी मिलता है, तो इसके लिए आप मत परेशान होइएगा। माइक्रो साइकिल आपकी दिन में होती है, तो ज़्यादातर यही पूछेगा दिन में, मंथ में, ईयर में, तो इसका ध्यान रखिएगा, लेकिन सही चीज़ है आपका 7 से 10 दिन। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का वीडियो, आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। और आपको इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिस पे मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लेना। ओके चलिए, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ओके थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।